जय सच्चिदानंद दीपक भाई, मैंने 2003 में अहमदाबाद में ज्ञान लिया है। मेरे भाई भाभी अहमदाबाद में रहते हैं मम्मी के साथ, और उनने भी ज्ञान लिया है। उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया ये ज्ञान लेने के लिए। धीरुमा के पास से ये ज्ञान लिया है। ये ज्ञान लेने के बाद में इतना अच्छा अनुभव होता है, बहुत अहो अहो होता है। और मैं अपनी लाइफ में भी बहुत सारे अनुभव हुए हैं जो मुझे दादा भगवान की ये छोटी छोटी बुक्स हैं, एडजस्ट एवरीवेयर और टकराव टालिए, बन्यु तेज न्याय, ये मेरी लाइफ में इतने अनुभव में आए हैं कि उसी वजह से मैं बहुत सारा सीखी हूँ। अभी तो बहुत कम उम्र में मैं बहुत आगे बढ़ चुकी है ऐसा लगता है। बहुत मिस्टेक्स होती हैं, पर उस ब्रेक लगती है और समझ में आता है कि हाँ मेरी मिस्टेक हो रही है। और एक अनुभव ये सास बहू का आपने जो दिया, मेरी भाभी का और भाई का और मम्मी का जो व्यवहार देखती हूँ, बहुत ही अच्छा हो गया है। आज इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि कभी मैं गलती से मम्मी के बारे में या कुछ बोल देती हूँ तो मेरी भाभी मुझे गुस्से से बोलती है, तू उनके बारे में ऐसा क्यों बोल रही है। पहले हम दोनों मिलके बातें करते थे, मम्मी को ये चाहिए, ऐसा है ऐसा है। आज इतना चेंज हो गया, दोनों मिलके पैर छूते हैं सुबह में मम्मी पापा के, और इतने अच्छे से मम्मी को जो पसंद आए वो करते हैं, किसी के दोस्त नहीं देखते हैं, तीनों मिलके। मम्मी ने भी ज्ञान लिया है, बहुत अच्छा। वो क्रमिक में ज़्यादा मानती है, लेकिन आपके इसमें निरुमा के सत्संग में भी आती है और अपना भी करती है। दोनों पंथ चल रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे से ज़िंदगी उनकी चल रही है। वो देख के मुझे भी प्रेरणा मिलती है। कहीं कहीं मैं मुंझवण में आ जाती हूँ तो फ़ोन कर लेती हूँ भाई को, वो मुझे रास्ता दिखाता है, बहुत अच्छा लगता है।